पिछले कई दिनों से नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण फारबिसगंज के कुछ ग्रामीण इलाकों में जहां बाढ़ का कहर जारी है, वहीं शहर के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है। हमारे रिपोर्टर अमित कुमार ने शहर के वार्ड नंबर 7 में पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए ये जानने का प्रयास किया कि जल जमाव और बाढ़ के खतरे से लोग किस कदर परेशान हैं। नेपाल में लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण एक ओर जहां फारबिसगंज शहर के पूर्वी इलाकों में, खास करके ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है, वहीं दूसरी ओर और आज फारबिसगंज के शहरी इलाकों में यूं कहे तो बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं फारबिसगंज शहर के सीताधार के आसपास, और आपको बता दूं कि ठीक इस तरफ जो आप देख पा रहे होंगे वो शहर का वार्ड नंबर 7 है, और ठीक इस ओर अगर आ जाएं तो यहां पर रामपुर उत्तर पंचायत के तहत ये जो यहाँ पर घर द्वार बने हैं, ये रामपुर उत्तर पंचायत के तहत ये आता है। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दिखाए यहां पर जो सीताधार से पानी जो ओवरफ्लो होके बाढ़ का पानी जो आ रहा है, किस तरीके से यहां पर लोगों को खासी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। और यूं कहें तो अगर एक दो घंटे मूसलाधार बारिश हो जाए तो निश्चित रूप से यह पानी बढ़ते बढ़ते शहर के अन्य हिस्सों में भी पहुंच जाएगा। आइए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या उन्हें समस्या आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार। उमेश कुमार, ये बताएं कि क्या यह जो बारिश का जो पानी, बाढ़ का जो पानी देख पा रहे हैं, सीताधार का पानी है? सीताधार का पानी है, नेपाल से आता है। कब से? आज से ही यह पानी, रात से यह पानी आया है आपके मैंने इलाकों में। कितनी कठिनाइयों के दौर से आप लोग? बहुत कठिनाई हो रहा है, लोग घर पानी तैर आता है। मतलब उम्मीद है कि अगर 2-3 घंटे मूसलाधार बारिश हो जाए तो यहाँ पर और भी पानी, फिर घर में पानी घुस जाएगा। घर में पानी घुस जाएगा। आइए, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर कितनी सब समस्याएं आ रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ। अमरजीत कुमार, ये बताइए कि ये जो पानी जो आप देख रहे हैं कि बाढ़ का पानी यहाँ पर शहर में भी दस्तक दे चुका है, तो कितनी कठिनाइयों के दौर से अभी फिलहाल आप लोग को गुजरना पड़ रहा है, और आने वाले समय में क्या यह कठिनाइयाँ और भी बढ़ेगी? जी, अगर बारिश हो जाती है तो इसके वजह से काफ़ी कठिनाई का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। मतलब एक दो घंटे अगर बारिश हो जाए तो आप लोगों के घर द्वार में भी पानी घुस सकता है? जी, एक घर के अंदर में बारिश का पानी के बढ़ जाने के कारण ये सुरसर नदी से पानी जो आती है तो ये काफ़ी दिक्कत होती है हम लोगों को। ये हर साल का परेशानी है हम लोगों को, हर साल का परेशानी है यह। तो आपने सुना कि किस कदर यहाँ लोगों ने बताया कि अभी अभी, हालांकि अभी पानी ने सिर्फ दस्तक दी है शहरी इलाकों में, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जैसा मौसम का यहाँ रुझान चल रहा है कि एक दो घंटे अगर मूसलाधार बारिश हो जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों की समस्या, खास करके शहरी इलाकों में लोगों की समस्या और भी बढ़ सकती है, और शहर के अन्य हिस्सों में भी यह पानी फैल सकता है। फारबिसगंज से अमित कुमार, बाइस्कोप। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो, या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए, या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।